संभल अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष अजीम अब्बासी के नेतृत्व में सोसाइटी पदाधिकारियों ने शहर के शंकर चौराहे के पास शहीद भगत सिंह पार्क में पिछले वर्ष 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर सच्ची खिराज अकीदत पेश की और उनके परिजनों के लिए सब्र की दुआ की गयी। कार्यक्रम में सोसाइटी सलाहकार डॉक्टर रशीक अनवर ने कहा कि केंद्र सरकार इन घिनौना कार्य अंजाम देने वाले आतंकवादियों पर कड़ी कार्यवाही करे ताकि आगे भविष्य में ऐसे कार्यों को यह दहशतगर्द अंजाम न दे सके। वहीं चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर तनवीर हैदर ने कहा कि आज ही के दिन यह कायरतापूर्ण आत्मघाती हमला कर हमारे जवानों को शहीद किया गया था, जो अत्यंत निंदनीय है। प्रत्येक देशवासी 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन कभी नहीं भूल सकते। कार्यक्रम में डॉक्टर रशीक अनवर, डॉक्टर तनवीर हैदर, मोहम्मद सलमान, आमिर सुहेल, आलोक मिश्रा, जुनैद जुबेरी, ऋषभ चौहान, अजीम अब्बासी, नवेद शान सहित काफी संख्या में सोसाइटी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में शहीद भगत सिंह पार्क में पुलवामा हमले की बरसी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हम सभी शहीद जवानों को अपनी सोसाइटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गत वर्ष आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को हमारे देश में एक ऐसी घटना हुई जिससे हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का उसको एक काला दिन कहा जाता है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे जवानों की पर एक आतंकवादी हमला कर हमारे लगभग 40 जवानों को शहीद कर दिया गया, लेकिन आज के दिन पूरा एक बरस इस हमले को हो गया है, लेकिन आज भी हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के दिल में, हिंदुस्तानियों के दिल में उस हमले का दर्द आज भी वही उसी शिद्दत के साथ भरा हुआ है। और आज ही के दिन हम यहाँ पर अपने उन जवान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी ऑल इंडिया अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी यहाँ पर एकत्र हुई है। यहाँ के सारे सदस्य, यहाँ के सारे मेम्बरान आज ही के दिन इस हमले की बरसी पर हम सब लोग मिलकर के आज ये संकल्प लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि हम हिंदुस्तान की सरजमी से आतंकवादियों के नाम और निशान उखाड़ फेंकेंगे और हम इस तरह की हर आतंकवादी टेररिस्ट गतिविधियों का पुरजोर मजम्मत करते हैं। और आज यही हमारी शपथ जी। पिछले साल आज ही के दिन 14 फरवरी को हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए। आज अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और इस हादसे में शहीद हुए सभी जवानों के हम खराज अकीदत पेश करते हैं और उनके घर वालों को, जो जवान मरे थे, हम उनके घर वालों के लिए एक प्रण करते हैं कि वो जो हमारी सरकार है उन जवानों के घर वालों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करे तो उनके बच्चे और उनकी विधवाएं या उनके माँ बाप जो उसमें शहीद हुए उनके लिए कुछ ऐसा करके जाएं जिससे उनका आगे का ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सके। और साथ ही साथ हम एक ये संकल्प भी लें कि जो ऐसी घटनाएं घटती हैं हिंदुस्तान में उन पर बहुत सख्ती से पाबंदी लगे, उसके ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाया जाए और जो ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हैं जो उसमें शामिल हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नेस्तनाबूद किया जाए। और हमारी श्रद्धांजलि है इन सभी जवानों को और हमारी संवेदनाएं और हमारा जो एक तरह से उनके परिवार के लिए जो संवेदनाएं हैं हम उनको संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। हम चाहते हैं कि आइंदा कभी हमारे देश में ऐसा कोई हादसा ना हो जिससे फिर हमारे जवान शहीद हों।